हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 4 से इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 15 सुंदरी नामक इस पाठ को पढ़ेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को इस लेसन के हिंदी ट्रांसलेशन समझाने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहां पे आप लोगों को रेनबो दिख रहा होगा, ये वाला जो फोटो है ये रेनबो वाला, ये दूसरे चैप्टर का है। बुक छापने में ये फोटो यहाँ आ गई है गलती से, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में इस रेनबो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस रेनबो वाले फोटो को इस चैप्टर में ध्यान ना दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर हमें मिलेगा देखने के लिए लेसन 15, मतलब पाठ 15, सुंदरी। सुंदरी मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल होता है। तो एक सुंदरी आप लोग जानते होंगे, किसी बहुत सुंदर जो रहती है उसे सुंदरी कहते हैं, चाहे वह कोई लेडी हो या फिर कोई और वस्तु हो। ठीक, यहाँ पे लिखा है रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, पढ़िए और इस कहानी का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए इस कहानी को, पढ़िए और इस कहानी को एंजॉय कीजिए। चलिए अब कहानी को पढ़ते हैं और एंजॉय भी करते हैं और इसके हिंदी ट्रांसलेशन भी जानते हैं। तो सबसे शुरू में हमें सुंदरी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि सुंदरी कौन है, क्या है। सुंदरी वाज अ बिग रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी वाज अ बिग रेड व्हाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी वाज मतलब थी या फिर था, अ मतलब एक, बिग मतलब बड़ा या फिर बड़ी, रेड मतलब लाल, व्हाइट मतलब सफेद, एंड मतलब और, ब्लू मतलब नीला या और काइट मतलब पतंग। तो पूरे को जब हम जोड़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा सुंदरी एक बड़ी लाल सफेद और नीली पतंग थी। सुंदरी क्या थी? लाल सफेद और नीली पतंग थी जो बहुत बड़ी थी। व्हेन बॉबी मेड हर, जब बॉबी ने उसे बनाया, हर मतलब उसे और मेड मतलब बनाया, When मतलब जब, ठीक है। When Bobby made her, जब बॉबी ने उसे बनाया, she smiled at him, उसने उसके ऊपर हंसी या फिर वह उसके ऊपर हंसी, she smiled at him, वह उसके ऊपर हंसी या फिर वह उस पर हंसी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब जब बॉबी उसे बनाता है, बॉबी एक लड़का है जो उसे बनाता है पतंग को, तब वह उसे देखकर स्माइल करती है। तब बॉबी क्या कहता है? यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा। आई विल कॉल यू मतलब मैं तुम्हें बुलाऊंगा होता है, ठीक है। क्या बुलाऊंगा? नाम है सुंदरी। तो बॉबी कहता है यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, और मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। वन डे, एक दिन बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। टुक मतलब ले जाना होता है और फेयर मतलब मेला होता है। टू द फेयर मतलब मेले में, ठीक है। तो वन डे, एक दिन बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। एक दिन बॉबी सुंदरी को मेले में ले गया। सुंदरी कौन है? पतंग है, ठीक है, उसकी पतंग है। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। द बैंड वॉज
playing and everyone was smiling. बैंड मतलब क्या होगा? बाजा, ठीक है. Was playing मतलब बज रहा था. The band was playing. बाजा बज रहा था. And everyone was smiling. Everyone मतलब हर कोई या फिर प्रत्येक. तो इसके बोलेंगे और स्माइलिंग मतलब मुस्कुरा रहा था. मुस्कुराना होता है. वाज मतलब था हो जाएगा. तो यहाँ पे पूरे लाइन का हम मीनिंग जब देखेंगे, द बैंड वाज प्लेइंग एंड एवरीवन वाज स्माइलिंग, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बाजा बज रहा था और हर कोई मुस्कुरा रहा था. सोचिए मेले में बाजा बज रहा हो और हर कोई मुस्कुरा रहा हो, वहीं पे सुंदरी को लेकर बॉबी पहुंचता है. अ मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. अ मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. तो इसका मीनिंग हो जाएगा, मेरी गो राउंड क्या है? इसका मेरी गो राउंड का मैं बता दे रहा हूँ कि यह एक झूला होता है, ठीक है. मेरी गो राउंड एक झूला है जो चारों ओर घूमता है. आप लोग भी देखे होंगे झूला. यहाँ पे आप लोग को देखिए, ये वाला झूला यहाँ पे दिख रहा है, इधर एक झूला दिख रहा होगा, तो इसी को मेरी गो राउंड कहा गया है, ठीक है. इस वाले झूले को, तो इसी झूले के बारे में बता रहा है कि ए मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग. चारों ओर घूमने वाले झूले में प्लेइंग अ लिटिल ट्यून, धीमी मधुर धुन बज रही थी. लिटिल ट्यून मतलब धीमी और मधुर धुन कहा गया है, ठीक है. ए मेरी गो राउंड वाज प्लेइंग अ लिटिल ट्यून. तो चारों ओर घूमने वाले झूले में धीमी मधुर धुन बज रही थी, या फिर चारों ओर घूमने वाले झूला एक धीमी और मधुर धुन बजा रहा था, बहुत मीठी धुन बजा रहा था. इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. इट वॉज कैरिंग मतलब यह बहुत यह उठाया है या फिर पकड़ा है, अपने ऊपर रखा है. क्या रखा है? लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सारे लड़के और लड़कियों को. और क्या कर रहा है? राउंड एंड राउंड चक्कर लगा रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है. कहाँ चक्कर लगा रहा है? ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. वुडन मतलब वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी. वुडन मतलब लकड़ी से बना हुआ या फिर लकड़ी का, ठीक है. एनिमल्स मतलब जानवर या फिर पशु. तो जो लकड़ी के बने जानवर थे उस पर लॉट्स ऑफ बॉयज, बहुत से लड़के और लड़कियों को गोल गोल चक्कर लगाते हुए घुमा रहा था, ठीक है. तो इसे हम पूरी तरह से अगर बोलेंगे तो यह बहुत से लड़के और लड़कियों को लकड़ी के जानवरों पर गोल गोल चक्कर लगा रहा था. अब आगे क्या होता है? बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही रन वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. ओपन स्पेस मतलब खुली जगह, ठीक है. यहाँ पे देखो ओपन स्पेस लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा खुली जगह. लुक्ड मतलब देखता है, देख रहा था. और एन मतलब के लिए. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस मतलब बॉबी एक खुली जगह देख रहा था. किस लिए देख रहा था? वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट.
जहां वह दौड़ सके और अपनी पतंग उड़ा सके। जहां वह दौड़ सके और अपनी पतंग उड़ा सके। कैन कूट मतलब सकना होता है, ठीक है। कूट का मतलब भूतकाल में यूज होता है, पास्ट टेंस में कूट यहाँ पे यूज हुआ है। जहां वह दौड़ सके और अपनी पतंग उड़ा सके, ऐसी जगह वह खुली जगह देख रहा था। सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी भी देख रही थी, सुंदरी भी देख रही थी या फिर सुंदरी ने भी देखा। आउट इन द ग्रास रेन, आउट इन द ग्रास रेन, बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। बाहर घास पर, आउट इन द ग्रास रेन, ग्रास रेन मतलब घास का मैदान होगा, ठीक है। बाहर, आउट मतलब बाहर, बाहर घास के मैदान पर बॉबी अपनी पतंग को पकड़े हुए, होल्डिंग मतलब पकड़कर, बॉबी अपनी पतंग को पकड़े हुए जितना हो सके उतना ऊपर करके, एज हाई एज ही कुड मतलब जितना हो सके उतना ऊपर करके दौड़ रहा था। ये वाला फोटो देखिए, एक घास का मैदान है, यहाँ पर बॉबी अपनी पतंग को लेकर दौड़ रहा है, जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर पतंग को करके दौड़ रहा है, फोटो में दौड़ रहा है, यहाँ पे तो हम दौड़ रहा था बोलेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पफ द वाइल्ड केम अलोंग, पफ करके एक आवाज आई, हवा चलती है तो आवाज आती है ना, तो हवा चली और थोड़ी सी आवाज है, पफ करके आवाज आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, द वाइल्ड केम अलोंग, हवा का झोंका साथ आया, हवा का झोंका साथ आया, केम अलोंग मतलब साथ आया, ठीक है। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, सुंदरी ने ऊपर उड़ना शुरू किया, फ्लाई अप मतलब ऊपर उड़ना, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, ठीक है। सुंदरी ने ऊपर उड़ना शुरू किया, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, बट मतलब लेकिन, ठीक है, लेकिन या फिर किंतु परंतु जो भी है, तो इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है बट का। बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वह ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी, कुड नॉट मतलब नहीं सकना होता है, गो वेरी हाई मतलब ज्यादा ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो सी मतलब वह, लेकिन वह ज्यादा ऊपर नहीं जा सकी। तो अभी हमने जाना कि वह ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती है, तो आप क्यों नहीं उड़ पाती है ज्यादा ऊपर, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। तो आगे लिखा है वह क्यों नहीं उड़ पाती है उसके बारे में, तो अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इसका मीनिंग हो जाएगा एक छोटे कुत्ते ने, लिटिल डॉग मतलब एक, ए लिटिल डॉग मतलब एक छोटा कुत्ता, होल्डिंग मतलब पकड़ के रखा था, ठीक है, वाइज होल्डिंग मतलब पकड़ के रखा था, क्या को पकड़ के रखा था, ऑन टू हर लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ को पकड़ के रखा था। कुत्ता कैसे पकड़ता है, अपने मुंह से पकड़ता है। इट वॉज इन हिज माउथ, उसकी जो पूंछ थी वह कुत्ते के मुंह में थी। तो पूरे का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, इट वॉज इन हिज माउथ, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एक छोटे कुत्ते ने उसकी लंबी पूंछ को
अपने मुंह में पकड़ रखा था, या फिर एक छोटा कुत्ता उसकी लंबी पूंछ को पकड़ रखा था, जो कहां था, उसकी मुंह में था। बॉबी शूड द डॉग अवे, बॉबी शूड द डॉग अवे, बॉबी ने कुत्ते को दूर भगाया। शूट मतलब भगाना होता है, ठीक है। बॉबी शूट द डॉग अवे, अवे मतलब दूर, बॉबी ने कुत्ते को दूर भगाया। वी विल ट्राई अगेन, वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सैड, सैड मतलब कहा, बॉबी मतलब बॉबी तो लड़के का नाम है, तो बॉबी सैड मतलब बॉबी ने कहा। वी विल ट्राई अगेन, वी लिख के यहाँ पे आप लोग देखिए, वी लिखा हुआ है और वी के बाद एक कॉमा है और फिर डबल एल लिखा है, तो इसे हम शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहें तो वील पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका पूरा मतलब मीनिंग होता है वी विल होता है, ठीक है। फुल अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब होगा वी विल लिखा हुआ है, तो वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड, बॉबी कहता है वी विल ट्राई अगेन, हम फिर से कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई अगेन मतलब हम फिर से कोशिश करेंगे, अगेन मतलब फिर से, ट्राई मतलब कोशिश, वी विल मतलब हम करेंगे, ठीक है। अब फिर से कोशिश करते हैं तो क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। अब यहाँ पे लीप्ड का मीनिंग हम देख लेते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। लीप्ड का मीनिंग होगा छलांग लगाना, ठीक है। इन द एयर मतलब हवा में, अप मतलब ऊपर, दिस टाइम मतलब अब की बार या फिर इस समय, तो आप दूसरी बार जब प्रयास करते हैं तब की बात है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस टाइम सुंदरी, इस समय सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, हवा में ऊपर छलांग लगाया। इस समय सुंदरी ने हवा के साथ ऊपर छलांग लगाया। शी टग्ड हार्ड, उसने जोर का झटका दिया या फिर सख्ती से खींचा। तो अब पतंग उड़ रही है तो जो रस्सी रहती है पतंग की, उसको उड़ने पर बहुत जोर से सख्ती से खींचती है, हवा में ऊपर उठती है तो रस्सी बहुत सख्ती से खींचाता है, उसी को कहा जा रहा है। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, ओह वह चाह रही थी बॉबी उसके तारों को ढील दे। How she wanted, जैसा वह चाह रही थी बॉबी की, ओह how she wanted मतलब जैसा वह चाह रही थी कि बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, कि बॉबी उसके जो रस्सी है, पतंग की रस्सी है या फिर पतंग के की जो तार है उसे थोड़ा ढील दे या फिर थोड़ा ढीला करे, छोड़े, ताकि वहां और ऊपर जा सके, ठीक है। शी गेव अ बिग टग, शी गेव अ बिग टग, उसने एक बड़ा खिंचाव दिया या फिर बड़ा झटका दिया। किसने दिया, सुंदरी ने दिया, उसने एक बड़ा खिंचाव दिया या फिर बड़ा झटका दिया। टग मतलब खिंचाव होता है, ठीक है, इसको हम झटका भी कह सकते हैं। बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी ने उसको ढीला छोड़ा, बॉबी ने उसको ढीला छोड़ा या फिर अपने जो रस्सी पकड़ कर रहता है उसे घुमाया और उसे ढीला छोड़कर जाने दिया। अब सुंदरी क्या करती है, रोती है, रोती कैसे रोती है, हुई
इस प्रकार से रोती है, क्राइड सुंदरी, सुंदरी रोई, सुंदरी रोने लगी, क्राइड सुंदरी मतलब सुंदरी रोने लगी। सुंदरी कौन है? बॉबी की पतंग है, ठीक है। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। तो अब कहती है नाउ मतलब अब या फिर अभी, आई कैन फ्लाई मैं उड़ सकती हूँ एज हाई एज आई प्लीज जितना मैं चाहती हूँ, एज आई प्लीज मतलब जितना मैं चाहती हूँ, एज हाई मतलब जितना ऊपर, ठीक है। तो नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज मतलब अब मैं जितना ऊपर उड़ना चाहती हूँ उतना उड़ सकती हूँ, ऐसा वह कहती है। एंड अवे सी वेंट, एंड अवे सी वेंट और वह दूर चली गई। वेंट मतलब जाना होता है, सी मतलब वह, अवे मतलब दूर, ठीक है, और वह दूर चली गई। शी फ्लेव अप 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 इन द एयर, शी फ्लेव अप 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 इन द एयर, वह ऊपर उड़ी, फ्लेव अप मतलब ऊपर उड़ी, और ऊपर उड़ी और ऊपर हवा में उड़ने लगी, ठीक है। तो यहीं पे ये खत्म हो जाता है। तो बॉबी एक पतंग बनाता है, पतंग का नाम देता है सुंदरी, सुंदरी को लेके जाता है मेले में, मेला मतलब फेयर, वहां पे एक चारों ओर घूमने वाला झूला रहता है, उस झूले में एक बहुत ही मधुर धुन बजते रहती है और सभी लोग वहां पे बाजा की आवाज में हंसते रहते हैं। उस झूले में बहुत सारे लोग, लड़के और लड़कियां झूलते रहते हैं जिसमें कि वुडन एनिमल्स होते हैं। और वहां पे बॉबी कोई खाली जगह देखता है जहां उसे मिलती है एक घास का मैदान मिलता है, जहां वह अपनी काइट को लेके, सुंदरी को लेके जाता है और उसे उड़ाने का प्रयास करता है, जितना हो सके उतना ऊपर उड़ाने का प्रयास करता है। धीरे से एक हवा आती है और हवा सुंदरी को उड़ाने लगती है, लेकिन वह जितना ऊपर उड़ना चाहती थी वह उतना ऊपर उड़ नहीं पाती है क्योंकि एक कुत्ता पतंग की पूंछ को पकड़ लिए रहता है, ठीक है। तो अब कुत्ते को कौन भगाता है? बॉबी कुत्ते को भगाता है। तो अब बोलता है बॉबी कि हम फिर से प्रयास करेंगे। तो फिर से जब प्रयास करते हैं तो जो सुंदरी पतंग है वह हवा में छलांग लगाने लगती है और झटका देती है, खींचती है रस्सी को, और फिर वह और ऊपर उड़ना चाहते रहती है। वह चाहती है कि बॉबी उसकी जो रस्सी है उसे ढील दे या फिर खोल दे, और उसने एक फिर से एक झटका दिया, वह फिर से एक झटका देती है, तो बॉबी को उसे रस्सी को खोलना पड़ता है और सुंदरी फिर से ऊपर उड़ना चालू करती है। अब वह जितना ऊपर चाहे उतना ऊपर उड़ सकती थी। तो अब वह दूर चली जाती है और बहुत ऊपर 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 हवा में उड़ने लगती है। तो यह लेसन यहीं खत्म होता है। इस लेसन में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मेरा समझाना पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस प्रकार की वीडियोज़ जल्दी से प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।